पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज। चिंकी मिंकी ऐसे नहीं करना, आप चुप रहिए, हमें करने दीजिए, हमारा काम है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, चना मसाला। चना मसाला, वेज लखनऊ, वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, काली दाल, पीली दाल, माकी दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की रोटी। हो गया हो गया, आप प्लीज शुरू कीजिए, प्लीज शुरू कीजिए। हम क्लास में पढ़ते थे, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब वो तो फर्स्ट, तो हम लोग सेम सेक्शन, सेम क्लास, सेम सीट। सेम सीट, साथ में बैठते थे, घट 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 साथ में लगे रहते थे। तो मम्मा ने बोला अलग बैठा करो, हमारी रोज पीटीएम पे कंप्लेंट आती थी। तो रिसेस में मैं एबसेंट थी उस दिन, हमारा लंच ब्रेक हुआ, बाहर गई है, एक लड़के ने उसको प्रपोज किया, व्हाट, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड, मुझे समझ के, टेंथ प्रपोज किया, स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में इसको प्रपोज किया कि सुरभि वो एक चॉकलेट लाया था तब ना, बॉर्नविल आई थी, नहीं। तो बहुत मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गई कि नई चॉकलेट लाया यार, क्या करूं, मैं सुरभि थी भी नहीं, अब समृद्धि, तो उसको मैंने पता भी था उसको, मैं एब्सेंट हूँ। तो उसने प्रपोज करा बिल्कुल ऐसे एकदम आशिकों वाला। मैंने क्या किया, मैं चॉकलेट लेके बोले ओके यस, मैं चली गई। अगले दिन वो आया, इसका हाथ पकड़ रहा है, कहती हुआ यू, कल ही तो एक्सेप्ट किया तूने। मैंने कहा नहीं, मेरी बहन है, उसको पता नहीं था, हम लोग नए नए स्कूल में आए थे। बस वही, पहले वो प्रपोज वाली टर्म भी ऑफर होता था, ऑफर मार दे, मेरी सेटिंग करा दे। ऑफर मार कर हमने एक दूसरे का टेस्ट था, वो ये वॉशरूम चली गई थी तो मैं भी वॉशरूम गई, इसको आता नहीं था वो आंसर, तो ओह इसकी सीट पे बैठी, मेरी सीट पे बैठी, तो उन्होंने एक दूसरे का करके डैम गुड, एंड नोबडी न्यू, नो, एंड यू बोथ डिड वेल, या वी बोथ पास्ट। एग्जैक्टली मैं तो, मुझे पता ही नहीं चलता कभी कभी, मैं भी सोच, हमारे शो में भी आती है ना, हाँ तो हाय बोलकर जाती हैं, तो एक बार मैंने बोल दिया, मैं कहा भी आपका वो नंबर वगैरह, तो कहती हाँ जी, मैंने कहा क्योंकि शोज वगैरह की इंक्वायरी वगैरह आती रहती है, कहती ठीक है, तो कहती मैं हाँ अभी देती हूँ, तो बाद में दूसरे वाली आ गई, मैं कहा आपने दिया ही नहीं, कहते क्या, मैंने कहा नंबर अभी मैंने पूछा, ओहो आप नंबर मांग रहे हो, बाल भी दोनों इकट्ठे सेट कर दिया, कर दिया ना। इट्स बिन अ ईयर एंड अ हाफ जब से हमने स्टार्ट किया, सो वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग आवर नॉर्मल वीडियोस। क्या हुआ सर, आप हंस के रहे हो? इट्स बिन अ ईयर जब से हमने स्टार्ट किया, तो मतलब अंग्रेजी मेरे जितनी आती है इसको भी, पहली लाइन इंग्लिश में। तो हम दोनों बहुत परेशान हुए कि व्हाट जस्ट हैपेंड, रिजेक्ट हो गए हम। फर्स्ट टाइम ऑडिशन है, उसमें भी रिजेक्ट हो गए, सो एकदम होप्स बिल्कुल डाउन हो गए थे। देन आफ्टर, सो ये बात आपको भी नहीं पता, परेशानी किसको ज्यादा हुई, आपको ज्यादा हुई या उसको? मेरे को ज्यादा हुई, इसका पता नहीं। तब आपके वाला डायलॉग हमें दिया था ऑडिशन में, अच्छा? चंदू चप्पल वाला, वो वाला मतलब फिर मेरा काफी हाथ है आपको, और सर आपको पता है हमें वो डायलॉग रिहर्स करने में 7 आवर्स लगे थे, सिर्फ 3 लाइनें याद। इधर उधर की बात छोड़ो कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो, मैं आपके मोहल्ले में नई नई रहने आई हूँ, लेकिन आपका वो दोस्त क्या नाम है उसका, चंदू, मुझे रोज छेड़ता है। तुम्हें छेड़ता क्यों, उसको छेड़ता है? मुझे छेड़ता है, इसका पता नहीं। हमने बहुत नॉर्मल किया था, हमने ऐसे किया था, बोला उधर की बातें छोड़ो कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो, मैं आपके मोहल्ले में नई नई रहने आई हूँ। तो कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम नम, तो उन्होंने बोला इसको थोड़ा ठुमके मारो, हमने ठुमके मारे थे, फिर हम सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, गानों पे ठुमके मैंने बड़े सुने हैं, ये डायलॉग, डायलॉग पे ठुमके मारे थे। जब बचपन में हम लोग देखते थे शो, सर आपका हम इतना इतना पसंद करते थे ना, बचपन में क्या मतलब, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बचपन, आप की उम्र के तो है ये। मैं 1-2 साल का फर्क होगा, आप 1-2 साल बड़ी होंगी मुझसे। सही बात है। तो मतलब अंग्रेजी मेरे जितनी आती है इसको भी, पहली लाइन इंग्लिश में। अच्छा, because of him, I'm scared to talk English. मैं बोल रही थी इंग्लिश में, आपने बोला okay, हिंदी। वेरी गुड, वेरी गुड। कैरी ऑन प्लीज। सो इट्स बीन 1.5 इयर्स जब से हमने स्टार्ट करा है। मैं बोल ही नहीं रही। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। हां, तो we just started making some normal videos, to sabne bolna shuru kar that you guys are doing great. Usse pehle we were just fashion influencers, twin fashion bloggers. We used to influence people ki matlab ek main outfit pehnti thi, day outfit, to convert it into night outfit. To wo I used to wear the same outfit and I used to convert it into a night outfit. Ah, yeah. Good idea. So we used to do this with people. Logon ne bola ki kuch naya try karo, try something new. Then we got an audition for some ad. एंड उधर उन्होंने बोला कि हम दोनों को साथ में बोलना है, इट वॉज इन इंग्लिश एंड इट वॉज काइंड ऑफ एग्रेसिव, तो हमने वो बहुत रूडली बोला था, वो बिकॉज वो उनका था ही ऐसा, उनको बताओ कैसे था उसमें क्या था,
लेमन कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर द डायलॉग, बट वो काफी रूड था, गुस्से में बोलना था बहुत ज्यादा. सो उसमें हमने एक्शंस भी सेम करे थे और आईज ब्लिंक भी सेम टाइम पे करनी थी. नॉट प्लान्ड. No, it was planned. Okay, yeah, it was planned. Okay, okay. So then we thought ki theek hai koi baat nahi, but wo unhone hame audition mein liya nahi. Kisi aur like me hone unhone hame select nahi kara because we were from Delhi aur unko koi Bombay ka chahiye tha. Ah, this is wrong. Yeah. So hum dono bahut pareshan hue ki what just happened. Reject ho gaye hum. First time audition hai usme bhi reject ho gaye, so ekdam hopes bilkul down ho gaye the. Then after सो ये बात आपको भी नहीं पता. परेशानी किसको ज्यादा हुई, आपको ज्यादा हुई या उसको? मेरे को ज्यादा हुई, इसका पता नहीं. वेरी गुड. ओके, देन आफ्टर वन वीक वी जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द क्रिएटिव टीम ऑफ TKSS द कपिल शर्मा शो एंड दे जस्ट आस्क फॉर अ ऑडिशन वीडियो. तो उन्होंने बोला आपकी कोई ऑडिशन वीडियो है आपके पास, अगर है तो आप हमें भेजिए. अब वो ऑडिशन वीडियो ने हमें हेल्प करा. हाँ. क्योंकि अगर वो ऑडिशन वीडियो हमारे पास नहीं होती तो हम आज ये नहीं कर रहे होते. बिकॉज दैट वाज इन कंप्लीट सिंक. तो देन दे रिक्रिएटेड इट. उसके बाद उन्होंने और सोचा कि इसको कैसे कर सकते हैं. देन दे विजुअलाइज टू इन वन. तब आपके वाला डायलॉग हमें दिया था ऑडिशन में. अच्छा? चंदू चप्पल वाला. ओह, वो वाला फिर मेरा काफी हाथ है आपको. और सर आपको पता है हमें वो डायलॉग रिहर्स करने में 7 hours लगे थे, सिर्फ 3 lines याद कर. और सुबह हमारा एग्जाम था, हम लोग सोए थे सारी रात, हमने रिहर्स की थी वो लाइन. इतना सा डायलॉग था, 4 lines थी. चंदू का चाचा समथिंग बोला. चंदू का चाचा बातें छोड़ो, इधर उधर की बातें छोड़ो, कपूर शर्मा मेरी बात सुनो. मैं आपके मोहल्ले में नई नहीं रहने आई हूँ, लेकिन आपका वो दोस्त क्या नाम है उसका, चंदू, मुझे रोज छेड़ता है. तुम्हें छेड़ता क्यों, उसको छेड़ता है? मुझे छेड़ता है, इसका पता नहीं. ओके, दिस वाज द डायलॉग. एंड देन यू गॉट द शो. नो, देन वी वेंट टू बॉम्बे, दे कॉल्ड अस. हमने बहुत नॉर्मल किया था. मेरी बात सुनो, मैं आपके मोहल्ले में नहीं रहने आई हूँ. कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम नम. तो उन्होंने बोला इसको थोड़ा ठुमके मारो. हमने ठुमके मारे थे, फिर हम सिलेक्ट हुए थे. अच्छा, गानों पे ठुमके मैंने बड़े सुने हैं. ये डायलॉग पे ठुमके मारे थे. अच्छा, नाउ फर्स्ट विल इंट्रोड्यूस चंदन. इनको क्या इंट्रोडक्शन की जरूरत है? अच्छा, चंदन जी तो वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर. वो Do you all believe that he's a studied man? Wow. And an artist. Man, but artist. And he's a very popular, obviously we all know, a stand-up comedian. He's an actor, he's a director from Punjabi films. He's a producer and he's a painter. Yeah. क्या बात है सर, आपकी तो बात ही कुछ और है. बस आर्टिस्ट आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो खुद कम बोलते हैं. Let the people make noise. अच्छा, and you studied in Amritsar, your Kapil Sharma's childhood friend. You studied and attended the same school. You both entered the finals of Good Laughter, Laughter Challenge, number one. And he literally, ever since then, there has been no looking back. Both of you have done brilliantly. And you're such an integral part of each other. And before we say further, please look at his shoes. Yeah. So what Where brand? Did you tell us something about these shoes, sir? बस ऐसे ही पैसे बहुत ज़्यादा आ गए थे. फिर मैंने कहा थोड़े पैरों पे भी लगा रहे. हाँ, ये कहाँ से लाए आप, चंडीगढ़ से? नहीं नहीं, ये मैंने फॉरेन से बाय किए. अच्छा, ऐसी चीजें ना मुझसे एक्सपेक्ट कम ही करते हैं लोग कि ये मैंने फॉरेन से बाय की चीज. उसके बाद मैं जब मैं दुबई गया, जब मैं उसके बाद यूएस गया, तो ये चीजें मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करते लोग.